लगता है गरीब की इज्जत को तार तार कर देता है। इस मानसिकता को ख़त्म करने की ज़रूरत है। पुलिस को बहुत जल्दी किसी निर्णय पर पहुंचने की बजाय उसको अच्छे से इन्वेस्टिगेशन फेयरली करना चाहिए ताकि एक सच सामने आ सके और ऐसे दरिंदों को सख्त सजा दिलाई जा सके। दिल्ली के कैंट में जो घटना हुई है, जिस तरह से बहुजन समाज की बेटी को रौंदा गया, उसे जिंदा जलाने की कोशिश हुई, जला ही दिया गया। घटनास्थल पर सबसे पहले एक नेता के तौर पे, दिल्ली के सोशल जस्टिस मंत्री के तौर पे राजेंद्र बाल गौतम गए थे, राहुल गांधी भी गए, आज दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल भी गए हैं। आखिर कब तक और समाज को क्या करने की ज़रूरत है, और क्या सचमुच बुद्ध में भारत का जो सपना है वो पूरा होना चाहिए? क्योंकि बच्ची के साथ जो घटना हुई है उसमें एक पुजारी आरोपी है और शमशान घाट में हुआ है, जहां लोग कहते हैं कि शमशान घाट में ज्ञान की प्राप्ति होती है। मेरे साथ राजेंद्रपाल गौतम हैं। सर, आप मैं आपसे बात भी इसलिए करता हूं कि सामाजिक जब भी कोई मसला होता है, चाहे वो हार हो, जीत हो, सफलता हो, असफलता हो, दुख हो, दर्द हो, आप पहुँचते हैं। इस पूरे घटना को आप कैसे देख रहे हैं, अब क्या करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत ही दर्दनाक है, जिंदा जलाने की कोशिश हुई, जला दिया गया। एक्चुअली ये मानसिकता का सवाल है। गरीब की कोई जाति नहीं होती, लेकिन गरीबों में मैक्सिमम आपको बहुजन समाज के लोग मिलेंगे, SC ST OBC के माइनॉरिटी के लोग ज़्यादा गरीब मिलेंगे आपको। तो उनके प्रति जो सोच एक बनी हुई है हज़ारों साल से, उनका उसी तरह से उत्पीड़न जारी है। और जो ये घटना अभी 3 दिन पहले जो घटी है, मतलब पुलिस देखिए किस तरह इस कहानी को पेश कर रही है। पुलिस कहती है कि वो बच्ची वहाँ पानी पीने गई और उसमें वाटर कूलर में करंट था और उससे उसकी डेथ हो गई। तो फिर सबूत मिटाए क्यों गए, उसको तुरंत जलाया क्यों गया, उसके माँ बाप को बुलाकर पुलिस को बुलाना चाहिए था। उसकी पुलिस कम से कम जांच तो करती कि कूलर में करंट है और करंट से डेथ हुई है नहीं हुई है। अब जब वहाँ लोगों को पता चला कि बच्ची को के साथ कुछ गलत हुआ है और उसको जला दिया गया है, तो लोग वहाँ पहुँचे हैं, उन्होंने वहाँ पे जाके उसको आग को बुझाया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली केवल उसके पैर पैर मिले, बाकी सब जल चुका था। और मैं समझता हूँ कि अब इस बात की पुष्टि कोई भी जांच एजेंसी, चाहे वो CFSL हो या दूसरी कोई एजेंसी हो, वो ये जाँच कैसे करके बता पाएगी कि उस बच्ची के साथ इतना घिनौना अपराध हुआ है। और अगर ये भी कहें कि भाई इलेक्ट्रिक्यूशन से डेथ हुई है, तो वो भी कैसे पता लगेगा, आपने किस आधार पे उस बात को मान लिया? और जबकि वहाँ लोग, जो उपस्थित लोग हैं, जो पाए गए वहाँ की कॉलोनी के लोग, उन्होंने बताया कि उस बच्ची के साथ कुछ गलत किया है, चूँकि वहाँ पहले भी रेप की घटना उसी जगह पर घट चुकी है। तो ये तो एक जाँच का विषय है, इसको पुलिस को थोरो इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। और इस तरह की घटना के खिलाफ भारत सरकार को और सभी राज्य सरकारों को बेहद गंभीर होना चाहिए। आपकी सरकार क्या इनिशिएटिव ले रही है सर अब तक? देखिए, ये घटना 3 दिन पहले की है, जैसी रात को घटना घटी है, शाम को, रात को मुझे पता लगा 11 बजे, और नेक्स्ट डे मैं सुबह ही निकल गया और मैं वहाँ पहुँच गया, वहाँ लोगों से मिला हूँ, पुलिस से, जॉइंट CP से मेरी बात हुई, DCP से बात हुई, DM को मैंने वहाँ भेजा, मैं खुद गया, उसके बाद मुख्यमंत्री जी से बात की, और आज मुख्यमंत्री जी भी गए, मैं भी गया, और उस परिपीड़ित परिवार को 10 लाख का मुआवजा देना सरकार ने तय किया है। और साथ में जो कोई सीनियर लेवल के अच्छे वकील को करके हम उस केस को ताकि अंजाम तक पहुंचा सकें, उनको सज़ा दिलवा सकें, सीनियर वकील भी सरकारी खर्चे पर हम लोग उसमें करेंगे। मजिस्ट्रियल इंक्वायरी के लिए भी मुख्यमंत्री जी ने बोला है। तो मैं समझता हूँ जो सरकार के हमारे अधीन है वो हम कर रहे हैं, लेकिन जो पुलिस है वो केंद्र सरकार के अधीन है LG के माध्यम से, और पुलिस का जो रवैया है वो जिस तरह का होना चाहिए उस तरह का नहीं है। पुलिस को बहुत जल्दी किसी निर्णय पर पहुंचने की बजाय उसको अच्छे से इन्वेस्टिगेशन फेयरली करना चाहिए ताकि एक सच सामने आ सके और ऐसे दरिंदों को सख्त सज़ा दिलाई जा सके। सर, मुआवजे को लेकर लोग कह रहे हैं कि बहुत कम है सरकार, आप सोशल जस्टिस मंत्री के तौर पर भी आपकी क्या कोशिश होगी, चूँकि परिवार बहुत गरीब है, और रिहेबिलिटेशन के लिए कुछ और? अभी जो हमारा एट्रोसिटीज एक्ट भी उसमें इन्वॉल्व हो गया है, उसके अंदर जो मुआवजा बनता वो मुआवजा हम बहुत जल्दी उसको भी जल्दी दिलवा देंगे, और हर प्रकार की जो संभव मदद होगी परिवार की वो हम निश्चित तौर पे करेंगे। और एक बेहद दुखद घटना सेम इसी तरह की,
अभी हरदोई से भी कल हुई है इसी तरह की घटना आई है हमारे संज्ञान में, वहाँ भी 8-9 साल की बच्ची को बलात्कार करके और उसको नेकेड अवस्था में खेतों में फेंक दिया गया। तो ये जो मानसिकता है ना कि गरीब को की इज्जत को कोई इज्जत नहीं समझता, जो चाहे गरीब की इज्जत को तार तार कर देता है, इस मानसिकता को ख़त्म करने की ज़रूरत है। और इसके लिए मुझे लगता है कि जो मैं बार बार बोलता हूँ कि प्रबुद्ध भारत बनाना होगा और तमाम देश के जो पिछड़े दलित आदिवासी अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, जो मेजोर जो ज़्यादा प्रताड़ित हो रहे हैं, उन सबको एकजुट होना पड़ेगा। और मैं तो बल्कि केंद्र सरकार से भी निवेदन करूँगा कि भारत को अगर एकजुट रखना है और भारत को अगर मजबूत बनाना है तो आपको सबके साथ न्याय करना पड़ेगा। अगर आप न्याय करने में भी जाति और धर्म देखेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी बात। आप बिल्कुल गंभीरता से लीजिए इस तरह की घटना पे। अभी तक भी प्रधानमंत्री जी की तरफ से कोई वक्तव्य नहीं है और जो केंद्र सरकार की महिला बाल विकास मंत्री हैं उनकी तरफ से कोई वक्तव्य नहीं है। छोटी छोटी घटना पे तो आपकी तरफ से वक्तव्य आ जाते हैं, और जब बहुजन समाज की किसी बेटी के साथ इस तरह की घटना होती है उस पर आप कुछ बोलते नहीं है, तो ये नहीं चलेगा। आप सर एक आखिरी सवाल कि मैं जब शीला दीक्षित की सरकार थी तो उस समय केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो पुलिस और उनका वो तब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, पुलिस के रवैया को लेकर बहुत सवाल उठ रहे। क्या आप सरकारी स्तर पे कोई SC आयोग ने शेड्यूल कास्ट कमीशन ने नोटिस जारी किया है, आपके मंत्रालय की तरफ से कुछ इनिशिएटिव हो सकता है पुलिस के लिए, क्योंकि पुलिस का रवैया बहुत संदिग्ध है इस पूरे मामले में। पुलिस को तो हमने जॉइंट CP से मैंने डायरेक्ट बात की है, DCP से मैंने डायरेक्ट बात की है, और हम LG साहब से भी हमने निवेदन किया है कि आप इस पे इंडिपेंडेंट एजेंसी से जांच कराइए और ताकि सच सामने आ सके। और जो भी दिल्ली सरकार को जो अधिकार क्षेत्र है, जैसे स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, हम कोई सीनियर वकील हम इसमें इस केस में खड़ा करेंगे, वो हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है, और उनकी जो मदद फाइनेंशियली की जा सकती है वो हमारे क्षेत्र में आता है। मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी हम लोग करा ही रहे हैं, तो जो हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है वो तो निश्चित तौर पे करेंगे। लेकिन मैं तो केंद्र सरकार से ये मांग कर रहा हूँ कि इस तरह की घटनाएं होती क्यों हैं, इस तरह की घटनाएं बिल्कुल बंद होनी चाहिए, ये बिल्कुल स्वीकार करने योग्य नहीं है। सर आपकी सरकार ने स्कूल बहुत दुरुस्त किए हैं, स्कूल को लेकर बहुत सारी बातें हुई हैं, क्या लग रहा है SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग जो दिल्ली में भी रह रहे हैं, चूँकि आपका मंत्रालय भी उससे है, बच्चे अभी तक स्कूल ड्रॉप आउट में स्कूल नहीं पहुँच पा रहे? एक्चुअली ये जो कोरोना की वजह से स्कूल को बंद करना पड़ा, इसका सबसे बड़ा जो नुकसान पूरे देश में अगर किसी को हो रहा है तो गरीब परिवारों को हो रहा है, और गरीबों में अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग अल्पसंख्यक समाज के लोग ज़्यादा गरीब हैं, उनके बच्चों के पास तो उस तरह के एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, और जब वो फ़ोन उस तरह के उनके पास अवेलेबल नहीं है, उतना डाटा भी उनके पास नहीं होता कि वो पूरा लेक्चर अटेंड कर पाएँ, और अगर किसी घर में है भी तो पेरेंट काम करने जाते हैं वो लेके जाते हैं, वो क्लास से वंचित हैं, वो शिक्षा से वंचित हो गए हैं। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस कोरोना एक ऐसी बीमारी इसमें इतने लोग की जान गई है तो रिस्क भी नहीं ले सकते हैं, तो नुकसान तो बहुत बड़ा हमारे गरीब समाज के लोगों का हो रहा है, इसमें कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ेगा। तो ये थे दिल्ली के सोशल जस्टिस मंत्री, सबसे पहले इन्होंने घटनास्थल का दौरा किया था, पीड़ित परिवार से ही मिले थे और इंसाफ का भरोसा दिलाया था। मैं फिर कह रहा हूँ कि बहुजनों को ऐसे लीडरशिप की ज़रूरत है जो कम से कम दुख दर्द में उसके साथ खड़े हो। कैमरा पर्सन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।